रिश्ते के टूटने के पीछे दोनों तरफ की पार्टी जो है बराबर की हिस्सेदारी रखती है, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से बजती है। ऐसा ही कुछ यहां पर सालों बाद खुलासा किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है बॉलीवुड मसाला। यानी कि भाई मसालेदार खबरें लेकर मैं आ चुकी हूं आप सभी के सामने। बस इन दिनों एक ही ऐसी खबर है जो काफी ज्यादा ही मसाला का कारण बनी हुई है, और वो खबर ये है मलाइका और अरबाज। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि मलाइका और अरबाज का तलाक हो चुका है, दोनों की राहें बदल चुकी हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से क्या हो गया। दरअसल जनाब, जहां पर हमने आपको बीते दौरान मलाइका का स्टेटमेंट बताया था कि किस तरह से मलाइका ने खुलासा किया है तलाक के बाद, सालों के बाद उन्होंने बताया कि क्या कुछ होता था खान परिवार में, किस जरिए के लिए उन्होंने अरबाज से तलाक लिया, क्योंकि मोहब्बत तो काफी थी इन दोनों के बीच, मगर कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग थी जो मिल नहीं पा रही थी। अब ऐसे में यहां पर मलाइका के बाद अरबाज ने अपनी चुप्पी को तोड़ा है। आप देखेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में कि किस तरह से अरबाज यहां पर अपने बेटे अरहान को लेकर तमाम बातें कहते दिखे, और साथ ही साथ उन्होंने मलाइका को लेकर भी तमाम चीजें कही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, देखिए आप हमारे इस खास रिपोर्ट। बॉलीवुड का खान परिवार एक ऐसा परिवार है जिसका हर एक सदस्य खबरों में बना रहता है, चाहे यहाँ बात हो सलमान की, अरबाज की, सलीम की, हेलन की या फिर सलमा की। इस परिवार का हर एक सदस्य तमाम तरह की सुर्खियों को बटोरता है। अब लीजिए, इस परिवार के लाडले अरबाज खान इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों को बटोरते दिखे। दरअसल ये तो आप सभी जानते हैं कि अरबाज ने मलाइका से सालों पहले ही तलाक ले लिया था, जहां पर इन दोनों के बीच काफी ज्यादा प्यार और मोहब्बत थी, तो वहीं इनके बीच ना जाने ऐसा क्या हो गया जो प्यार और मोहब्बत एकदम से खत्म हो गई और रिश्ते में दरार पड़ गई और दोनों अलग हो गए। जी हाँ, जहां पर बीते दौरान हमने आपको ये बताया ही था कि मलाइका ने पहली बार करीना कपूर के शो में यानी कि इश्क 104.8 पर तमाम बातों का खुलासा किया था, जहां पर मलाइका ने रिश्ते के टूटने की सच्चाई भी बताई और खान परिवार में क्या कुछ होता था उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। अब ऐसे में जहां पर हमने आपको मलाइका की बातें तो बता ही थी कि किस तरह से मलाइका ने तलाक की वजह बताई थी, तलाक क्यों हुआ, तलाक क्यों लिया गया, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये तमाम चीजें उन्होंने बताई। अब ऐसे में यहाँ पर चुप्पी को तोड़ा है अरबाज खान ने। जी हाँ, हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरह से हाल ही में सालों के बाद पहली बार अरबाज खान अपने तलाक के बारे में बोलते देखे गए, जहाँ पर अरबाज ने तमाम चीजों का के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भाई आखिरकार उस रिश्ते में भी क्यों रहना जहां पर प्यार और अंडरस्टैंडिंग ना हो। दरअसल यहां पर अरबाज से जब सवाल पूछा गया उनकी पहली पत्नी मलाइका अरोड़ा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एक समय था जब मैं मलाइका को लेकर चिंता करता था, लेकिन अब सब ओवर हो चुका है। ऐसे केस में या तो आपको भूलना पड़ता है या फिर आपको माफ करना पड़ता है। जब आप किसी को भुला देते हैं तो आप उसे माफ भी कर देते हैं। आपको अपने हिसाब से फैसला लेना पड़ता है और जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। जहां पर प्यार नहीं होता वहां पर उस रिश्ते को खींचने का कोई मतलब नहीं होता। यकीनन यही बातें कहती दिखाई दी थी मलाइका जब उन्होंने करीना के सामने अपने तलाक की सच्चाई को बताया था। तब यहाँ पर उन्होंने भी इन बातों का जिक्र किया था कि जहाँ पर जिस रिश्ते में प्यार ना हो, जिस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग ना हो, जिस रिश्ते में मोहब्बत ना हो, ऐसे रिश्ते को कंटिन्यू क्यों करना। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जहाँ पर अरबाज ने यहाँ पर मलाइका को लेकर इन बातों का जिक्र किया कि ठीक है पहले उन्हें चिंता फिकर थी, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लाइफ में वो आगे बढ़ चुके हैं, अब वो अपना आगे का पल देख रहे हैं, आगे की चीजों को देख रहे हैं। मानो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि मलाइका जहाँ पर तलाक के बाद अर्जुन के साथ उनके लिंकअप की खबरें आती है, इनफैक्ट खबरें ही नहीं अब तो खबरें ये भी कह रही है कि अगले महीने इन दोनों की शादी हो जाएगी, तो वही दूसरी तरफ अरबाज भी जॉर्जिया के साथ अपने कुछ तीन पलों को गुजार रहे हैं। यकीनन ही लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, भले ही प्यार था, बहुत सी चीजें थी आपस में, मगर सब
हर एक चीज एक जैसी रहे ये जरूरी नहीं, क्योंकि समय के साथ हर एक इंसान बदलता है। अगर यहाँ पर देखा गया कि समय के साथ इनका प्यार भी बदला और समय के साथ अब इनकी गट फीलिंग्स भी बदल चुकी हैं, जहाँ पर इनको आपस में फीलिंग्स थी अब वो फीलिंग्स बढ़ चुकी हैं किसी और के लिए। खैर ये तो रही इनकी अपनी पर्सनल जिंदगी, जहाँ पर मगर सबसे शॉकिंग यही रहा कि अरबाज ने मलाइका को लेकर और तलाक को लेकर पहली बार अपनी चुप्पी को तोड़ा। अरे साइड में हो जाओ ना यार, अरे पीछे हो जाना भाई, अरे टोपी वाला पीछे हटना, अरे बहुत देर में आया तू, हट जाना अभी। मैं ग्रुप फोटो अर्जुन सर, तो वेल फ्रेंड्स, देखा आपने बॉलीवुड मसाला में कितनी मसालेदार रही ये खबर, क्योंकि यहाँ पर अरबाज ने पहली बार तलाक के बाद चुप्पी को तोड़ा। भाई उनका कहना भी सही था कि ठीक है पहले प्यार था, मगर उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा कि क्या फायदा ऐसे रिश्ते में रहकर जहां पर अंडरस्टैंडिंग ना हो, प्यार ना हो, इससे अच्छा है हम दोनों फ्री हो जाएं। हालांकि यहां पर ऐसा ही लग रहा है कि तलाक लेने की जो वजह रही होगी वो भले ही कुछ भी क्यों ना हो, मगर तलाक दोनों की रजामंदी से हुआ है, जहां पर मलाइका अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हैं, अर्जुन के साथ उनकी
शादी को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में अरबाज और जॉर्जिया कब शादी कर लेंगे ये भी नहीं पता है, मगर कंफर्म है कि इनकी शादी जरूर होगी। कहते हैं कि समय के साथ जो चीजें होती हैं खैर वो अच्छी होती हैं, क्योंकि ऊपर वाला कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।